नमस्कार फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ग्लिच इफेक्ट की। फोटोशॉप में हम ग्लिच इफेक्ट किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको बना सकते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोटो ओपन करना होगा जिस पर आपको ग्लिच इफेक्ट लगाना है। फ्रेंड्स, फोटो ओपन किया, उस फोटो को आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ओके करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल जे करना है और कॉपी को डुप्लीकेट कर लेना है। इस पर डबल क्लिक करना है डुप्लीकेट कॉपी पर और रेड कलर की विजिबिलिटी को ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। मूव टूल को सेलेक्ट करना है और इमेज को एरो की से लेफ्ट खिसका देना है, मूव टू लेफ्ट, ओके। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेना है और उसके बाद कुछ सिलेक्शन आपको बनाना है। शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए इस प्रकार से सिलेक्शन बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इमेज में सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए और एरो की से इसे मूव कीजिए, ठीक है, क्लिक कीजिए, हट जाएगा। दोबारा आपको सिलेक्शन बनाना है शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और सिलेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए। कंट्रोल प्रेस कीजिए और राइट की से इसको मूव कीजिए, इतना हो गया। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर लेना है। यहां से न्यू लेयर लिया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखिए और व्हाइट रखने के बाद कंट्रोल डिलीट प्रेस कीजिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इस इमेज पर राइट क्लिक कीजिए और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कीजिए। फिल्टर पर जाइए, फिल्टर गैलरी मिलेगी, फिल्टर गैलरी पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद स्केच पर क्लिक करना है और यहाँ पर हाफ टोन पैटर्न को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, लाइन हो जाएगी। यहाँ पर से इसकी साइज को कम कर दीजिए आप 2%, कॉन्ट्रेस्ट को आपको बढ़ाकर 50% जितना है उतना पूरा कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दीजिए। फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मोड पर आइए, मोड को चेंज करना है आपको ओवरले में, ओवरले में चेंज किया। उसके बाद इसकी फील ओपोसिटी को आपको 50% कम कर लेना है, ठीक है, ओके। इतना होने के बाद में ये इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है आपको एडजस्टमेंट लेयर पर और यहाँ पर क्लिक करना है और एक गार्डियन लेना है। गार्डियन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तीसरे नंबर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। अब आपको ब्लैक पॉइंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक कलर को ग्रे कलर में सेलेक्ट करना है, ओके। व्हाइट कलर पर क्लिक करना है और व्हाइट कलर को आपको सियान कलर में सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ ये 50% से यहाँ से कम रखिए एंड ओके। यहाँ से भी ओके और यहाँ से भी आप ओके करेंगे। मोल्ड पर जाना है और ओवरले करना है। तो इस प्रकार का इफेक्ट जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को रेस्टराइज लेयर में बदल देना है, ठीक है। कंट्रोल एल प्रेस करना है और इसका कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। और ओके कर दीजिए।
इस प्रकार का एक इफेक्ट आपको नजर आएगा, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पर नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक न्यू लेयर ले लीजिए और टाइप टूल लीजिए, यहाँ से आप फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए बोल्ड वाला, ठीक है, क्लिक किया, टाइप कीजिए, यहाँ से साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं बाद में। फॉन्ट कलर आपको वाइट रखना है, ओके, कंट्रोल टी किया और हमने इस नाम को बड़ा कर दिया, एंटर। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेस्टेड टाइप में, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर R की वेजिबिलिटी रखनी है और G और ब्लू की ऑफ कर देनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको कंट्रोल J करके डुप्लीकेट बना देना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पर R की वेजिबिलिटी को ऑफ करना है और ग्रीन की वेजिबिलिटी को ऑन करना है, फिर ओके। एक बार और कंट्रोल J करके तीसरी लेयर बना दीजिए, थर्ड लेयर डुप्लीकेट, और उसके बाद R की वेजिबिलिटी को ख़त्म कर दीजिए और B की वेजिबिलिटी ऑन कीजिए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली पर क्लिक कीजिए और मूव टूल को सेलेक्ट रखना है और इसके बाद उसको लेफ्ट की तरफ प्रेस कीजिए, ठीक है, सेकंड को क्लिक कीजिए एंड राइट की तरफ प्रेस कीजिए, तो एक इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले दो इमेज को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेलेक्शन टूल लीजिए और यहाँ से एक सिलेक्शन बना लीजिए, ठीक है, और इस पर हल्के हल्के दो तीन सिलेक्शन और हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल प्रेस कीजिए और लेफ्ट की से इसको मूव कीजिए, ठीक है, ओके। ऊपर वाली एक को सेलेक्ट कीजिए, दोबारा सिलेक्शन बनाइए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और सिलेक्शन बनाइए, कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट की तरफ प्रेस कीजिए, ठीक है, क्लिक कीजिए, हो जाएगा। अब आपको क्या करना, सबसे नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में लेयर स्टाइल पर जाना है और आउटर ग्लो देना है। आउटर ग्लो में क्या करना है, आपको स्क्रीन को आपको नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करना है, ब्लेंड मोड को, यहाँ से इसकी ऑपोसिटी को आप 75 के आसपास रख लीजिए, साइज जो है वो आपको बड़ा रहना है, ठीक, जैसे कि हमने साइज को यहाँ पर बढ़ा दिया है, ओके। सेकंड पर क्लिक करना है और इसको भी आउटर ग्लो देना है और इसका भी स्क्रीन जो है मोड नॉर्मल में करना है और इसकी भी साइज को यहाँ से बढ़ा देना है, ठीक है, ओके। इस पर क्लिक करना है, लेयर स्टाइल, आउटर ग्लो, इसका भी मोड जो है नॉर्मल कर लेना है और उसके बाद इसकी भी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, और ओके। उसके बाद तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ग्लिच इफेक्ट जो है अपने फोटोशॉप में बना सकते हैं और इसे अपने पोस्टर डिजाइन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।